बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी लुकिंग इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम, कि जब हम कंप्यूटर को अंदर से देखेंगे तो वो कैसा होगा, ठीक है। और कंप्यूटर सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम्स हैव फोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स। हर कंप्यूटर सिस्टम के चार अहम पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एंड यूज़र। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये क्या है? आपका एक यूज़र है। ये क्या कर रहा है? कुछ डाटा एंटर कर रहा है कीबोर्ड की मदद से, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, और हार्डवेयर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर, सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर। हार्डवेयर किस चीज़ को रेफर करता है? कि ये कंप्यूटर का कोई फिजिकल एलिमेंट है, यानी ऐसी चीज़ जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यानी ऐसे कंपोनेंट्स जिनको आप क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन टच। एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर आर द कीबोर्ड। आपके कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है उसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि आपका कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, और आपका सीपीयू है। ये सारी आपके क्या हैं? कंप्यूटर्स के हार्डवेयर हैं, यानी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यानी जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं। जो भी चीज़ कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जिनको आप टच कर सकें, वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर क्या है? आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं दैट मेक्स द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क, जो कंप्यूटर को बताती हैं कि उन्होंने कोई भी टास्क, कोई भी काम कैसे करना है। इन अदर वर्ड्स, सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। दूसरे लफ्जों में सॉफ्टवेयर क्या कर रहा होता है? आपके कंप्यूटर को बता रहा होता है कि उसने कोई भी काम कैसे करना है। देखें, कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर सकता। हम कंप्यूटर को क्या कर रहे होते हैं? इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि वो ये वाला काम करे, वो ये वाला टास्क परफॉर्म करे। कंप्यूटर क्या है? एक डम मशीन है, यानी उसे हम जो बताएंगे वो वही काम करेगा। द टर्म प्रोग्राम रेफर्स टू एनी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम किस चीज़ को रेफर करता है? कि वो किसी सॉफ्टवेयर का कोई एक हिस्सा है, कोई एक पीस है। सम प्रोग्राम्स एग्जिस्ट मेनली फॉर द कंप्यूटर्स यूज टू हेल्प इट परफॉर्म टास्क एंड मैनेज इट्स ऑन रिसोर्सेज। कुछ प्रोग्राम क्या हो सकते हैं? कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा होता है कि वो अपने टास्क को किस तरह परफॉर्म करे, अपने रिसोर्सेज को किस तरह मैनेज करे। अदर टाइप्स ऑफ प्रोग्राम एग्जिस्ट फॉर द यूज़र। जबकि कुछ प्रोग्राम्स क्या होते हैं? यूज़र के लिए होते हैं, इनेबलिंग हिम और हर टू परफॉर्म टास्क सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। जैसे यूज़र ने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कोई फाइल बनानी है, तो वो क्या करेगा? कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा होगा। थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर अवेलेबल फॉर यूज ऑन पर्सनल कंप्यूटर। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, यानी जिस तरह का आपको टास्क परफॉर्म करना होता है, आपको उस तरह के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आपने कोई म्यूज़िक सुनना है तो आपको किसी ऑडियो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, जिसके ज़रिए आप अपने ऑडियो को सुन सकें, अपने सॉन्ग्स को सुन सकें। अगर आपने कोई इमेजेस बनाने हैं तो आपको कोई ग्राफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। अगर आपने कोई वर्ड लिखना है तो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। तो जिस तरह की आपकी ज़रूरत होती है, उसी तरह के आपको सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, और वही सॉफ्टवेयर्स आपको उस तरह के अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वी कैन थिंक और राइट इंस्ट्रक्शंस। हम इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं और लिख सकते हैं, बट कांट टच देम। लेकिन हम उन्हें टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शंस क्या हो रही होती हैं? एक तरह की आपके कंप्यूटर को बता रही होती हैं कि कोई काम कैसे करना है। तो ये क्या है? ये इंस्ट्रक्शन है। जैसे हम कोई बात बोल के करते हैं, हमारे लव्स क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे हम किसी को कहें कि मुझे एक ग्लास पानी ला के दो, तो ये क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम किसी को दे रहे हैं। इसी तरह हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं कि कोई काम उसने कैसे परफॉर्म करना है, ये हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं, ठीक है। डाटा, डाटा कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट्स ऑफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट बाय देमसेल्फ मे नॉट मेक मच सेंस टू अ पर्सन। डाटा क्या है? बेसिकली इंडिविजुअल फैक्ट्स होते हैं या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जो कि खाली किसी काम की नहीं होती, यानी कोई ज़्यादा सेंस नहीं दे रही होती है, जिसके ज़रिए हम कुछ समझ नहीं सकते कि ये हमारे पास क्या है, किस चीज़ इससे क्या मतलब निकल सकता है। अ कंप्यूटर्स प्राइमरी जॉब इज़ टू प्रोसेस दिस टाइनी पीस ऑफ डाटा इन वेरियस वेज। कंप्यूटर का प्राइमरी काम क्या है?
कि ये जो डाटा है इसको क्या करे, प्रोसेस करे डिफरेंट वेज से, कन्वर्टिंग देम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, और उनको क्या करे एक यूजफुल बामकसद इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म कर दे, कन्वर्ट कर दे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सॉ द एवरेज हाईवे माइलेज ऑफ सिक्स डिफरेंट कार्स, ऑल द डिफरेंट पीसेज ऑफ डाटा माइट नॉट मीन मच टू यू. जैसा कि आपको क्या है, डिफरेंट माइलेज दिखाई दे रही है डिफरेंट कार्स की. अब आपको इस माइलेज से पता नहीं चल रहा कि ये डाटा किस चीज़ के बारे में या क्या इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाह रहा है. हाउएवर, इफ़ समवन क्रिएटेड अ चार्ट फ्रॉम द डाटा, अब एक ने क्या किया, इस डाटा से एक चार्ट बना दिया है, दैट विजुअली कंपेयर दैट एंड रैंक द व्हीकल्स माइलेज, यू कुड प्रोबेबली मेक सेंस ऑफ इट एट अ ग्लांस. अब क्या है, अब आप जैसे ही इसे देखते हैं तो आपको पता चल जाता है एक ही नज़र में कि ये कह रहा है व्हीकल्स की माइलेज को शो कर रहा है. दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ डाटा प्रोसेस्ड इंटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. ये क्या है, उसकी एक एग्जाम्पल है कि किस तरह हमने डाटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया. जैसे कि आपके किसी आपके पास सामने कुछ आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, मगर आपको उन नामों को देख के ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये किसके नाम है और इन नामों का क्या मतलब है. लेकिन अगर आप उसी उन्हीं नामों पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग कर लें, यानी उन्हें थोड़ा सा अरेंज कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें, और उनके ऊपर एक हेडिंग लगा दें कि दीज आर स्टूडेंट्स नेम, तो अब आपको क्या एक नज़र में पता चल जाता है कि ये क्या है, स्टूडेंट्स के नाम है. पहले क्या था, वो इंडिविजुअल फैक्ट्स थे या कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी, यानी उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि ये नाम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लेकिन जब आपने थोड़ी सी प्रोसेसिंग कर ली तो अब वो क्या कर रहे हैं, आपके लिए वो ही डाटा क्या हो गया, यूजफुल हो गया, कि वो आपको बता रहा है कि ये स्टूडेंट्स के नाम है. यूजर्स, हमने जो उसका चौथा कंपोनेंट देखा था वो था यूजर्स. यूजर्स कौन है, जो भी आपके कंप्यूटर को इस्तेमाल करेगा, ठीक है. जैसे आप अपने लैपटॉप को यूज़ करते हैं तो आप क्या हैं, अपने लैपटॉप के यूज़र हैं. मैं इस वक्त क्या हूँ, अपनी लैपटॉप की यूज़र हूँ. क्यों, क्योंकि मैं अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को यूज़ कर रही हूँ. पीपल आर द कंप्यूटर ऑपरेटर्स, ऑल्सो नोन एज यूजर्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टेल द कंप्यूटर वट टू डू. अब जब मैं अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं अपने कंप्यूटर को बता रही हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ और तुम क्या करोगे. जैसे इस वक्त मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, तो ये चीज़ कौन बता रहा है, यूज़र बता रहा है. क्यों, क्योंकि मैं उसी तरह की फाइल्स खोल रही हूँ, उसी तरह की इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ और मेरे काम वैसे ही हो रहे हैं. तो आपके यूज़र्स कौन होते हैं, जो कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. स्टेप्स फॉलो टू प्रोसेस डाटा, जब भी किसी डाटा को प्रोसेस होना है तो वो किस तरह होना है, उस इंफॉर्मेशन ने किन साइकिल से होके गुजरना है, उस कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा को प्रोसेस करने का क्या तरीका होगा. देखो इस डायग्राम में, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये क्या एक यूज़र है. ये क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है. इनपुट किससे कर रहा है, कीबोर्ड या माउस के जरिए उसने कोई डाटा इनपुट किया. इनपुट क्या हुआ, इनपुट आपके पास या आपके सीपीयू में प्रोसेसिंग कंपोनेंट से उनके पास आया, वहां पे क्या हुआ, इसकी प्रोसेसिंग हुई. आफ्टर प्रोसेसिंग, जो आपने डाटा एंटर किया था उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग हुई. प्रोसेसिंग के बाद क्या हुआ, आपके पास रिजल्ट्स आए, वो रिजल्ट्स आपके पास आउटपुट की फॉर्म में आ गए, ठीक है. अब उस आउटपुट को आप अपने कंप्यूटर की मॉनिटर पे देख सकते हैं, ये देखें, ये सॉफ्ट फॉर्म में आपको आउटपुट दिखाई दे रही है. अब आपकी मर्जी है कि आपने इस आउटपुट की हार्ड कॉपी लेनी है या आप इसको अपने लैपटॉप में स्टोर भी करना चाहते हैं. अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको अपने स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर कर लेंगे. इस तरह क्या होता है, आप अपने डाटा को प्रोसेस करते हैं, कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, उस इनपुट पे कुछ प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद आपके पास आउटपुट आती है और फिर आप उस आउटपुट को स्टोर कर सकते हैं. ये क्या है, आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है. इनपुट, वट एवर गोज इन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. जो भी चीज़ आप कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, कोई भी डाटा जो आप कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर की इनपुट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड्स. इन एवरी डे लाइफ द एग्जाम्पल फॉर इनपुट इज अ वोटिंग स्लिप इन अ बैलेट. आप अपने क्या एंटर कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, आप टेक्स्ट की भी इनपुट दे सकते हैं. जैसे कीबोर्ड से आपने टेक्स्ट टाइप किया, आप ग्राफिक्स इमेज बना सकते हैं, साउंड्स आप अपने माइक्रोफोन के जरिए साउंड भी अपने कंप्यूटर को दे सकते हैं, साउंड की भी इनपुट दे सकते हैं. जैसे कि अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिसाल लें तो जब आप वोट कास्ट करने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, इनपुट देते हैं.
किसमें देते हैं? बैलेट बॉक्स में, यानी वो जो आप वोट कास्ट कर रहे हैं वो आपकी इनपुट है। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग क्या है? कंप्यूटर इज गिवन द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एज इनपुट। कंप्यूटर को हम क्या देते हैं? इनपुट में डाटा और इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, विच इज प्रोसेस टू क्रिएट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर क्या होता है, वो उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट दे देता है इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में। अब वो आउटपुट हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में हो सकती है और हार्ड फॉर्म में भी हो सकती है। डाटा इज अ रॉ फॉर्म्स ऑफ सिंबल। हमने देखा था कि डाटा क्या है, रॉ फॉर्म ऑफ सिंबल है, नंबर्स भी हो सकते हैं और इमेजेस भी हो सकते हैं। वेयर एज इन्फॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ डाटा। जबकि इन्फॉर्मेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म है, यानी ऐसी चीज जिसके जरिए आपको कोई मतलब मिल रहा है, उसको आप आगे यूज कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, आपके पास ऑर्गेनाइज मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ डाटा है। फॉर एग्जाम्पल, सम डाटा, स्टूडेंट्स रोल नंबर, नेम, टोटल मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स फ्रॉम द मिड एग्जाम्स इज एंटर्ड। आपने क्या किया, स्टूडेंट्स के रोल नंबर, नेम्स, टोटल मार्क्स और जितने मार्क्स उसने हासिल किए थे, ऑब्टेंड मार्क्स, वो सारे मिड टर्म एग्जाम में एंटर किए। कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा एंड क्रिएट्स अ रिपोर्ट ऑफ पासिंग एंड फेलिंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर ने क्या किया, ये जो सारा डाटा आपने दिया था इसको प्रोसेस किया और उसकी क्या की, एक रिपोर्ट फॉर्म बना ली। अब उस रिपोर्ट से आपको पता चल रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हुए और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल हुए। दिस रिपोर्ट इज मोर ऑर्गेनाइज। अब ये क्या, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म थी ना रिपोर्ट की, कि जिसके जरिए आपको पता चल रहा है, एंड यूजफुल फॉर अस, और हमारे लिए मुफीद भी है, एंड दस इन्फॉर्मेशन रेदर देन जस्ट डाटा। क्यों? पहले हमें उस चीज़ से, ये जो रोल नंबर से, नेम थे, टोटल मार्क्स से पता नहीं चल रहा था कि ये क्या है, लेकिन रिपोर्ट की फॉर्म में अब वो क्या दे रहा है, हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हो गए और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल हैं आपके मिड टर्म्स में। तो इस तरह हमने क्या किया, जो डाटा इनपुट किया था उसके ऊपर प्रोसेसिंग की और हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, एक यूजफुल फॉर्म आ गई डाटे की। आउटपुट, एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर हमें देता है, ठीक है, जो कंप्यूटर से आ रही होती है वो क्या कहलाती है, उसकी आउटपुट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, साउंड ऑफ अ प्लेइंग वीडियो इन कंप्यूटर इन इज द आउटपुट। कोई भी आप वीडियो प्ले करते हैं तो वो क्या है, आउटपुट है। कोई भी आप गाना सुन रहे हैं तो वो क्या है, आउटपुट है। कोई भी तस्वीर या वीडियो आप अपने मॉनिटर पे देख रहे हैं वो क्या है, आउटपुट है। स्टोरेज, स्टोरेज ऑल्सो रेफर्ड एज मेमरी। स्टोरेज को एज ए मेमरी भी रेफर किया जाता है। इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू स्टोर डाटा इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन। स्टोरेज में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, अपने डाटा इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करवा रहे होते हैं कंप्यूटर में। इट कैन सेव डिजिटल डाटा ऑन रैम। ये क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है अपनी हार्ड डिस्क पे, रैम पे और रिमूवेबल मेमोरी में। स्टोरेज, स्टोरेज क्या है, ऐसी मेमोरी जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर रहे होते हैं डिजिटल फॉर्म में, मींस 01 की फॉर्म में। इसेंशियल कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्डवेयर है। हार्डवेयर को हम चार टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे देखो तो आपको चार तरह का हार्डवेयर दिखाई दे रहा होता है। जैसे आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दिखाई दे रही होती हैं, जैसे कीबोर्ड और माउस। इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा होता है, आउटपुट में आपके पास मॉनिटर भी होता है। फिर आपको एक सीपीयू दिखाई दे रहा होता है। सीपीयू में क्या है, आपके पास प्रोसेसर हो गया और मेमोरी आ गई। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हो गए। और स्टोरेज मीडिया होता है, यानी आपकी हार्ड डिस्क जहाँ पे आप डाटा को स्टोर करवा रहे होते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवा रहे होते हैं। इस तरह हमने हार्डवेयर को कितनी टाइप्स में डिवाइड किया, चार टाइप्स में। वो कौन कौन सी थी, नंबर 1 प्रोसेसर, नंबर 2 मेमोरी, नंबर 3 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और नंबर 4 स्टोरेज डिवाइसेस। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या है, द प्रोसीजर दैट ट्रांसफॉर्म्स रॉ डाटा इंटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। सबसे पहले क्या देखा हमने कि प्रोसेसिंग क्या है। प्रोसेसिंग क्या है, जब आप रॉ डाटा को यूजफुल इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। टू परफॉर्म दिस ट्रांसफॉर्मेशन द कंप्यूटर यूजेस टू कंपोनेंट। और इस प्रोसेस को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए कंप्यूटर्स को कितने कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, दो कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। वो कौन से हैं, दो कंपोनेंट्स, द प्रोसेसर एंड द मेमोरी। यानी प्रोसेसिंग के लिए हमें जो दो कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स चाहिए वो आपके प्रोसेसर और मेमोरी हैं।
प्रोसेसर, द प्रोसेसर इज लाइक द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. प्रोसेसर क्या है? आपके कंप्यूटर का ब्रेन है, दिमाग है, जिस तरह हमारा दिमाग है. हमारा दिमाग हमें क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस देता है. जितनी भी कंट्रोलिंग है ह्यूमन बॉडी की, वो कौन कर रहा है? आपका ब्रेन कर रहा है. इसी तरह जो कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होता है, वो उसका प्रोसेसर कर रहा होता है. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का दिमाग कौन है? प्रोसेसर है. इट ऑर्गेनाइज एंड कैरीज आउट इंस्ट्रक्शंस दैट कम फ्रॉम आइदर द यूजर और द सॉफ्टवेयर. ये क्या करता है? जितनी भी इंस्ट्रक्शंस, अब वो इंस्ट्रक्शंस आपके सॉफ्टवेयर की तरफ से आ रही हैं या यूजर की तरफ से आ रही हैं, वो कौन ऑर्गेनाइज करेगा? वो आपका प्रोसेसर ऑर्गेनाइज करता है. इन अ पर्सनल कंप्यूटर द प्रोसेसर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर स्पेशलाइज चिप्स. पर्सनल कंप्यूटर में आमतौर पर आपका जो प्रोसेसर होता है, वो क्या? चिप्स से मिलके बना होता है, जिन्हें माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं. एक या एक से ज़्यादा चिप्स से मिलके बना होता है, जो कि क्या कहलाती हैं? माइक्रो प्रोसेसर्स कहलाती हैं. विच आर सिल्वर और सिलिकॉन्स और अदर मटीरियल्स एच्ड विद मैनी टाइनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. जो कि क्या होती हैं? सिल्वर सिलिकॉन मटीरियल्स या उसके ऊपर डिफरेंट टाइनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स क्या होते हैं? एच्ड होते हैं, यानी ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं. द प्रोस टू प्रोसेस डाटा और कंप्लीट एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ यूजर और अ प्रोग्राम, द कंप्यूटर पासिस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सर्किट्स. द माइक्रो प्रोसेसर इज प्लग्ड इन टू द कंप्यूटर्स मदरबोर्ड. अब आपके जितने भी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है, यानी इंस्ट्रक्शन जो यूजर से आ रही हैं या प्रोग्राम से आ रही हैं, वो कौन डील कर रहा है? आपका प्रोसेसर कर रहा है. और प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में कहाँ होता है? कंप्यूटर प्रोसेसर आपके कंप्यूटर की मदरबोर्ड में अटैच होता है, ठीक है? और ये क्या कर रहा होता है? बेसिकली आपके कंप्यूटर की तमाम इंस्ट्रक्शंस को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, आपके तमाम कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है. मदरबोर्ड, द मदरबोर्ड इज अ रिजिड रेक्टेंगुलर कार्ड कंटेनिंग द सर्किटरी दैट कनेक्ट्स द प्रोसेसर टू द अदर हार्डवेयर. मदरबोर्ड क्या है? एक आपका रिजिड ट्राइंगल है, ट्राइंगल बोर्ड है, ठीक है? जिसपे क्या होता है? आपका प्रोसेसर और डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स लगे होते हैं. द मदरबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्किट बोर्ड. मदरबोर्ड क्या है? सर्किट बोर्ड की ही एक एग्जाम्पल है. इन मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स मैनी इंटरनल डिवाइसेज सच एज वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, डिस्क कंट्रोलर्स एंड अदर डिवाइसेज आर हाउस्ड ऑन देयर ओन स्मॉलर सर्किट बोर्ड विद अटैच टू द मदरबोर्ड. आमतौर पर जितने भी आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, उनमें वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, डिस्क कार्ड और जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे बसेस वगैरह, ये सारी किस चीज़ पे अटैच होती हैं? आपकी मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं. इन मैनी न्यूअर कंप्यूटर दीज डिवाइसेज आर बिल्ट डायरेक्टली इन टू द मदरबोर्ड. जबकि जितने भी आपके न्यू कंप्यूटर्स हैं, लाइक लैपटॉप्स वगैरह, इनमें क्या होती हैं? ये डायरेक्टली मदरबोर्ड में बिल्ट इन होती हैं. मदरबोर्ड क्या? एक ऐसा बोर्ड है जिसमें आपके डिफरेंट हार्डवेयर के कंपोनेंट्स अटैच होते हैं. मेमोरी डिवाइसेस, इन अ कंप्यूटर मेमोरी इज वन और मोर सेट ऑफ चिप्स दैट स्टोर डाटा और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस. कंप्यूटर में मेमोरी क्या है? ऐसी चिप्स हैं, एक या एक से ज़्यादा चिप्स होती हैं, जो आपके डाटा को स्टोर कर रही होती हैं, आपके प्रोग्राम्स और की इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर रही है. अब ये जो स्टोरेज है, वो या तो टेम्प्रेरी होती है या परमानेंट होती है, आइदर टेम्प्रेरी और परमानेंट. पर्सनल कंप्यूटर यूज सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज, बट द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट आर कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी. पर्सनल कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज यूज़ होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेमोरीज हैं, वो आपकी रैम और रोम है. सबसे पहले हम देखते हैं कि रैम क्या है. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये क्या होती है? वोलाटाइल मेमोरी होती है. वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है, जब आप अपने सिस्टम को ऑफ करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो उस वक्त जो भी इंस्ट्रक्शंस और डाटा आपकी मेमोरी में होता है, वो क्या कर जाता है? लॉस कर जाता है, यानी वो अब वहाँ पर सेव नहीं होगा. स्टोर्स करंट डाटा एंड प्रोग्राम्स. चूंकि ये मेमोरी वोलाटाइल होती है, तो इसमें जो स्टोरेज किस चीज़ की होती है? सिर्फ करंट डाटा और प्रोग्राम्स की होती है. जैसे ही आपने कंप्यूटर को शट डाउन किया, वहाँ से वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. मोर रैम रिजर्व्स इन अ फास्टर सिस्टम. आपकी रैम फास्ट होती है आपकी हार्ड डिस्क से, तो ये क्या करती है? तेज़ी के साथ रिजर्व्स लेके आती है. रीड ऑनली मेमोरी, रोम. रोम क्या होती है? आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, यानी ऐसी मेमोरी जहाँ पे अगर आपने कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन सेव किए हैं, तो अगर आप कंप्यूटर को शट डाउन भी कर देते हैं, तो वहाँ पे स्टोर रहती हैं. इसीलिए इसे कह रहे हैं कि परमानेंट स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम, कि वहाँ पे प्रोग्राम्स परमानेंट स्टोर रहते हैं. होल्ड द कंप्यूटर बूट्स डायरेक्शन. इसमें क्या होता है? कंप्यूटर की जो बूटिंग इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपकी रोम में रखी जाती है. तो मेमोरी डिवाइसेस क्या हैं? ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि डाटा को स्टोर करती हैं टेम्प्रेरी और परमानेंटली. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट हमने कहा था कि कोई भी डाटा जो हम कंप्यूटर में
एंटर करेंगे वो आपकी इनपुट कहलाती है। लेकिन इनपुट एंटर करने के लिए हमें इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट डाटा, इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करती हैं फ्रॉम द यूज़र और फ्रॉम अनदर कंप्यूटर सिस्टम। वो इंस्ट्रक्शंस और डाटा आपका यूज़र भी दे सकता है और कोई दूसरा कंप्यूटर सिस्टम भी दे सकता है, सच एज अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। जैसे इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेज। अगर आपने टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा एंटर करना है तो आपको किस तरह की इनपुट डिवाइस की ज़रूरत होगी, कीबोर्ड की ज़रूरत होगी। अगर आपने कुछ ड्रैग ड्रॉप करना है, कुछ सिलेक्ट करना है, तो आपको माउस की ज़रूरत होती है। माइक्रोफोन, अगर आपने वॉइस की फॉर्म में डाटा एंटर करना है तो आपको माइक्रोफोन की ज़रूरत होगी। ये सारी क्या हैं, आपकी इनपुट डिवाइसेज हैं जिनके ज़रिए आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर में डाटा एंटर कर रहे हैं। आउटपुट डिवाइसेस रिटर्न प्रोसेस डाटा टू द यूज़र। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जो यूज़र को क्या करती हैं, प्रोसेस डाटा रिटर्न करती हैं और टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम। किसी यूज़र को भी कर सकती हैं और किसी कंप्यूटर सिस्टम को भी कर सकती हैं। जैसे हमने देखा था कि आपने कंप्यूटर में इनपुट दी, कंप्यूटर को इनपुट दी, प्रोसेसिंग हुई और आपके पास क्या आती है, आउटपुट आती है। अब आउटपुट क्या कर रहा है, वो दे रहा है, कंप्यूटर रिटर्न कर रहा है यूज़र को। फॉर एग्जाम्पल हेडफोन्स आर आउटपुट डिवाइसेस। अगर आपने म्यूज़िक सुनना है तो आपको हेडफोन्स की ज़रूरत होती है, क्यों, क्योंकि ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं, आपको कंप्यूटर से डाटा देती हैं। एंड यूज फॉर लिसनिंग साउंड इन कंप्यूटर्स, सम डिवाइसेज आर इनपुट एंड आउटपुट। कुछ डिवाइसेज ऐसी भी होती हैं जो आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती हैं, जैसे टच स्क्रीन। अब आपने अगर टच स्क्रीन पे कोई चीज़ देखनी है तो वो उस वक्त आउटपुट का काम कर रही है। अगर आप किसी चीज़ को एंटर करते हो, कोई चीज़ टच करते हो, किसी आइकन को सिलेक्ट करते हो, तो उस वक्त आप क्या कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो, तो वो एक ही वक्त में आपके आपके लिए इनपुट और आउटपुट का काम कर रही होती हैं। इनपुट डिवाइसेस, अब हम देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। कीबोर्ड, सबसे पहले हम देखते हैं कि कीबोर्ड क्या है। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस इज द कीबोर्ड। जो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है वो हमारी कीबोर्ड है, विच एक्सेप्ट लेटर्स, नंबर्स एंड कमांड्स फ्रॉम द यूज़र। जो कि लेटर्स, नंबर्स और कमांड्स कहाँ से लेती है, यूज़र से ले रही होती है। यानी कीबोर्ड के ज़रिए आप डिफरेंट किस्म के अल्फ़ाबेट्स, कमांड, पंचुएशन मार्क्स वगैरह एंटर करते हैं और डिफरेंट कमांड्स को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप वर्ड वगैरह यूज़ कर रहे हैं। माउस, विच लेट्स यू सिलेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम ऑन स्क्रीन मेन्यूज़। आपको स्क्रीन पे डिफरेंट मेन्यूज़ दिखाई दे रहे होते हैं, आइकन्स दिखाई दे रहे होते हैं। अगर आपने कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है तो आप माउस का इस्तेमाल करते हैं। ये यू यूज़ अ माउस बाय मूविंग इट अक्रॉस अ फ्लैट स्क्रीन, फ्लैट सरफेस एंड प्रेसिंग इट्स बटन। आप क्या करते हैं, माउस को एक फ्लैट सरफेस पे मूव करते हैं और उसके बटन्स को प्रेस करके आप कोई भी काम कर सकते हैं। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल एंड टच पैड आर वेरिएशंस ऑफ द माउस। ट्रैक पैड, ट्रैक बॉल एंड टच पैड क्या है, आपके माउस की वेरिएशंस हैं एंड इनेबल यू टू ड्रॉ और पॉइंट ऑन द स्क्रीन, जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं या किसी भी चीज़ को, आइकन को पॉइंट कर सकते हैं, किसी भी जगह पे जाके पॉइंट कर सकते हैं आप अपने इन क्या होता है, ट्रैक बॉल और टच पैड की मदद से। जॉयस्टिक, द जॉयस्टिक इज अ रोटेटिंग लीवर माउंटेड ऑन अ स्टेशनरी बेस दैट इज वेल सुटेड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स। अगर आपने गेम्स वगैरह खेलनी है तो आपके ऊपर क्या होता है, लीवर पे जॉयस्टिक लगी होती है जिसको आप रोटेट करके उसकी मूवमेंट को, अपनी गेम्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। स्कैनर, अ स्कैनर कैन कॉपी अ प्रिंटेड पेज ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक्स इन टू द कंप्यूटर्स मेमरी। स्कैनर क्या कर रहा होता है, कोई भी आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में पेज है, वो टेक्स्ट है या ग्राफिक्स है, अगर आपने इसे सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको स्कैनर की ज़रूरत होती है। फ्रीइंग यू फ्रॉम क्रिएटिंग द डाटा फ्रॉम स्क्रैच। इसके ज़रिए क्या होता है कि आपको नए सिरे से दोबारा काम नहीं करना पड़ता, बल्कि आप क्या करते हो, डायरेक्ट अपने हार्ड फॉर्म, जो प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास पेज है या टेक्स्ट है, उसको कन्वर्ट कर लेते हो सॉफ्ट फॉर्म में। डिजिटल कैमरा, अ डिजिटल कैमरा कैन रिकॉर्ड स्टिल इमेजेस। डिजिटल कैमरा के जरिए हम क्या कर सकते हैं, स्टिल इमेजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, विच यू कैन व्यू एंड एडिट ऑन द कंप्यूटर, जिन्हें हम बाद में जाके व्यू भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। माइक्रोफोन, अ माइक्रोफोन इनेबल्स यू टू इनपुट योर वॉइस और म्यूजिक एज डाटा। माइक्रोफोन के जरिए अगर आपने कोई भी आवाज़ अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड करनी है, अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड करनी है, कोई म्यूज़िक रिकॉर्ड करना है, तो आपको एक इनपुट डिवाइस की ज़रूरत होगी जो कि माइक्रोफोन कहलाती है। इसके ज़रिए आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस,
द फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इज टू प्रेजेंट प्रोसेस्ड डाटा टू द यूजर. आउटपुट डिवाइस का फंक्शन क्या है कि जो भी डाटा प्रोसेस्ड हुआ था वो यूजर को शो कराए, डिस्प्ले कराए. द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेज आर द मोनिटर एंड द प्रिंटर्स. जो मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेज हैं वो आपके मोनिटर्स और प्रिंटर्स हैं. द कंप्यूटर सेंड्स आउटपुट टू द मोनिटर. कंप्यूटर क्या करता है, आपकी आउटपुट को मोनिटर को भेज देता है. वेन द यूजर नीड्स ऑनली टू सी द आउटपुट. जब सिर्फ यूजर ने क्या करनी है, आउटपुट को देखना हो, तो वो क्या करेगा, मोनिटर पे अपनी आउटपुट को डिस्प्ले करवा देगा. इट सेंड्स आउटपुट टू द प्रिंटर. अब वही आउटपुट वो क्या करेगा, प्रिंटर को भेज देगा. जब यूजर को किस चीज़ पे की, अगर वही चीज़ उसे पेपर पे ज़रूरत है, वो अपनी पेपर फॉर्म में वो चीज़ देखना चाहता है, तो वो क्या करेगा, प्रिंटर को भेज देगा. इट सेंड्स आउटपुट टू द प्रिंटर व्हेन द यूजर रिक्वेस्ट अ पेपर कॉपी, ऑल्सो कॉल्ड अ हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट. जस्ट एज कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट साउंड एज इनपुट, दे कैन यूज स्टीरियो स्पीकर्स और हेडफोन एज आउटपुट डिवाइसेस टू प्रोड्यूस साउंड. इसी तरह आपने अगर कोई गाना सुनना है, कोई साउंड सुननी है, तो आपको हेडफोन्स या स्पीकर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये क्या आपकी आउटपुट डिवाइस है. इनके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, आवाज़ को सुन सकते हैं. स्टोरेज, जिस तरह हमें इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, आउटपुट देखने के लिए आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमें अपने डाटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत होती है. सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टोरेज है क्या. अ कंप्यूटर कैन फंक्शन विद ओनली प्रोसेसिंग मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. कंप्यूटर किन के साथ फंक्शन करता है, मेनली काम करता है आपकी मेमोरी के साथ, प्रोसेसिंग और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ. टू बी रियली यूजफुल हाउएवर अ कंप्यूटर ऑल्सो नीड अ प्लेस टू कीप प्रोग्राम फाइल्स एंड रिलेटेड डाटा व्हेन दे आर नॉट इन यूज. हमने कोई भी काम किया, अब हम उस काम को ज़ाया नहीं करना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हम अपने उस काम को स्टोर कर सकें, सेव कर सकें, ताकि अगर हमें इन फ्यूचर अगर उस डाटा की ज़रूरत है तो हम उसे इस्तेमाल कर सकें. द पर्पज़ ऑफ स्टोरेज इज़ टू होल्ड डाटा परमानेंटली इवन वेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. स्टोरेज का मकसद क्या होता है कि आप अपने डाटा को परमानेंटली अपने कंप्यूटर पे स्टोर सेव कर लें, ताकि जब भी आपको इन फ्यूचर उसकी ज़रूरत हो आप उसे इस्तेमाल कर सकें. परमानेंट है डाटा चूँकि यहाँ पे, इसलिए अगर आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा, तो वो वहाँ पे स्टोर रहेगा, वहाँ से वो डाटा रिमूव नहीं होगा. यू मे थिंक ऑफ स्टोरेज एज एन इलेक्ट्रॉनिक फाइल कैबिनेट एंड रैम एज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्क टेबल. आप स्टोरेज को किस तरह ले सकते हैं, एक फाइल कैबिनेट की तरह, कि आपके पास एक अलमारी है, और रैम को किस तरह लें, कि ये एक आपकी वर्क टेबल है. वेन यू नीड टू वर्क विद अ प्रोग्राम और अ सेट ऑफ डाटा, द कंप्यूटर लोकेट्स इट इन द फाइल कैबिनेट एंड पुट्स अ कॉपी ऑन द टेबल. जब भी आपको किसी प्रोग्राम या उस किसी फाइल की ज़रूरत होगी, तो कंप्यूटर क्या करेगा, आपकी उस कैबिनेट में से फाइल को निकालेगा और उस फाइल की एक कॉपी को आपकी टेबल पे रख देगा. जैसे ही आप काम ख़त्म करेंगे, आफ्टर यू हैव फिनिश्ड वर्किंग विद द प्रोग्राम और डाटा, यू पुट इट बैक इनटू द फाइल कैबिनेट. जैसे ही आपने उस डाटा पे काम व फाइल पे काम करना ख़त्म किया, वो क्या करेगा, उसको वापस उस फाइल कैबिनेट में रख देगा. द चेंजेस यू मेक टू डाटा वाइल वर्किंग ऑन इट रिप्लेस द ओरिजिनल डाटा इन द फाइल कैबिनेट अनलेस यू स्टोर इट इन अ डिफरेंट प्लेस. अगर आपने उस डाटा में कोई चेंजेस किए हैं, या अगर चेंजेस नहीं की तो वो उसी जगह पे स्टोर हो जाएगी, और अगर कुछ चेंजेस किए हैं तो आप अपनी फाइल कैबिनेट में किसी और जगह पे उस फाइल को सेव कर सकते हैं. ये था हमारा स्टोरेज डिवाइसेस. कन्फ्यूजन स्टोरेज विद मेमोरी. अक्सर लोग स्टोरेज और मेमोरी को एक ही चीज़ समझते हैं, यानी कन्फ्यूज हुए हैं कि ये एक ही चीज़ है, मगर असल में ऐसा नहीं है. हमने पीछे देखा था कि स्टोरेज डिवाइसेस आपकी फाइल कैबिनेट की तरह है, और जबकि मेमोरी आपकी क्या, एक वर्क टेबल की तरह है, कि वहाँ पे जब आपने कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है तो सिर्फ तब आनी है, जबकि स्टोरेज में आपकी वो चीज़ें परमानेंट सेव होती हैं. ऑल दो द फंक्शन ऑफ स्टोरेज एंड मेमोरी आर सिमिलर. दोनों की फंक्शनैलिटी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है. दे वर्क इन डिफरेंट वेज, मगर ये काम मुख्तलिफ अंदाज में करती हैं. देयर आर थ्री मेजर डिस्टिंक्शंस बिटवीन स्टोरेज एंड मेमोरी. आमतौर पर स्टोरेज और मेमोरी में कितनी डिस्टिंक्शंस हैं, तीन तरह के फ़र्क हैं. देर इज़ मोर रूम इन स्टोरेज देन इन मेमोरी. आप अपनी स्टोरेज डिवाइसेस पर बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करने की आपकी कैपेसिटी होती है, जबकि मेमोरी में उतनी स्टोरेज नहीं होती. ठीक है, यानी उतनी क्या कह लो, आप उतना डाटा स्टोर मेमोरी में नहीं कर सकते जितना आप स्टोरेज डिवाइसेस पे कर सकते हैं. जस्ट एज देर इज मोर रूम इन अ फाइल कैबिनेट, जैसे कि एक अलमारी में आपके पास स्पेस ज़्यादा होती है फाइल्स को स्टोर करने की, देन देयर इज ऑन अ टेबल टॉप,
जबकि आप अपनी टेबल पे लिमिटेड फाइल्स को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं या रख सकते हैं। कंटेंट्स आर रिटेन्ड इन स्टोरेज, आपके जो कंटेंट्स है वो स्टोरेज डिवाइसेस में बाकी रहते हैं, यानी जो चीज़ आपने वहाँ स्टोर की वो वहीं पे रहेगी। व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ, अगर आपका कंप्यूटर ऑफ भी है बंद भी है तो वहाँ पे वो स्टोरेज, वो आपका डाटा बाकी रहता है। वेयर एज प्रोग्राम्स और द डाटा इन मेमोरी डिसअपियर व्हेन यू शट डाउन द कंप्यूटर, लेकिन जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे आपकी मेमोरी में जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, वहाँ पर वो मौजूद नहीं रहती। स्टोरेज डिवाइसेस ऑपरेट मच स्लोअर देन मेमोरी चिप्स, स्टोरेज डिवाइसेस क्या स्लोअर होती हैं और आपकी मेमोरी चिप्स क्या होती हैं, फास्टर होती हैं। बट स्टोरेज इज मच चीपर देन मेमोरी, लेकिन स्टोरेज डिवाइसेस आपकी मेमोरी की निस्बत सस्ती होती हैं, चीपर होती हैं। टाइप्स ऑफ स्टोरेज, जिस तरह हमने टाइप्स देखी थी आउटपुट डिवाइसेस की के मॉनिटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, इसी तरह हमारे पास स्टोरेज की भी टाइप्स हैं। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली, हमें पता है कि स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जिन पे आपके डाटा और प्रोग्राम्स परमानेंटली स्टोर होते हैं। डिफरेंट फ्रॉम रैम, ये रैम से डिफरेंट होती हैं क्योंकि रैम में हमारी स्टोरेज परमानेंटली नहीं होती। मैग्नेटिक स्टोरेज, आपकी फ्लॉपी, हार्ड ड्राइव्स, ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स, टेप्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज। यूजेज अ मैग्नेट टू एक्सेस डाटा, अगर आपने डाटा को एक्सेस करना है तो उसमें मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल स्टोरेज, सीडी एंड डीवीडी ड्राइव्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज, ये क्या करती हैं, यूजेज अ लेजर टू एक्सेस डाटा, अगर यहाँ पे डाटा को एक्सेस करना है तो आपको लेजर की जरूरत होती है। सॉफ्टवेयर ब्रिंग्स द मशीन टू लाइफ, अब हमारा नया टॉपिक है क्या, सॉफ्टवेयर ब्रिंग्स द मशीन टू लाइफ। द इंग्रीडियंट डैट इनेबल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज सॉफ्टवेयर विच कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपकी बेजान मशीन है। मैंने कहा था कि कंप्यूटर खाली एक डब्बा है, इसके अंदर क्या है, डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स लगे हुए हैं, सर्कट्स हैं, लेकिन कोई काम कैसे करना है ये कंप्यूटर को कौन बताएगा, ये कंप्यूटर को आपका सॉफ्टवेयर बताता है कि उसने कोई भी काम, कोई भी टास्क कैसे परफॉर्म करना है। तो आपके कंप्यूटर का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आपका सॉफ्टवेयर है, अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर कैसे काम करेगा, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि उसने कोई काम कैसे करना है। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस बता रहा होता है। सॉफ्टवेयर क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट ड्राइव अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड अ प्रोग्राम, जो कि क्या कर रहा होता है, आपके कंप्यूटर को बता रहा होता है कि उसने कोई भी काम कैसे करना है। दीज इंस्ट्रक्शंस टेल द मशीन्स फिजिकल कॉम्पोनेंट वट टू डू, ये इंस्ट्रक्शंस क्या कर रही होती हैं, कंप्यूटर्स के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को बता रही होती हैं कि उन्होंने कोई भी काम कैसे करना है। विदाउट द इंस्ट्रक्शंस अ कंप्यूटर कुडंट डू एनी थिंग, इंस्ट्रक्शंस के बगैर वो कैसे करेगा कोई भी काम, नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। जब तक हम कोई बताएंगे नहीं, कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे नहीं, तो हमारे कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा। ठीक है, वेन अ कंप्यूटर यूजेज अ पर्टिकुलर प्रोग्राम इट इज सेट टू बी रनिंग और एग्जीक्यूटिंग दैट प्रोग्राम, जब कोई कंप्यूटर किसी प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि आपका वो प्रोग्राम रन हो रहा है या एग्जीक्यूट हो रहा है। मोस्ट सॉफ्टवेयर फॉल्स इंटू टू मेजर कैटेगरीज, आमतौर पर सॉफ्टवेयर दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, यानी आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। इट मेंटेन्स एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर, जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करना है और मेंटेन करना है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि हमारे यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स ऑन कंपोनेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर को बता रहा होता है कि उसने अपने ही रिसोर्सेज का, अपने कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कैसे करना है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स विंडोज, द मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स, ये क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डिफरेंट एग्जाम्पल्स है। व्हेन अ प्रोग्राम वांट्स द हार्डवेयर टू डू समथिंग इट कम्युनिकेट्स थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कोई प्रिंट लेना है तो वो किसके जरिए हैंडल हो रहा है, ये सारी कम्युनिकेशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो आपके हार्डवेयर के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाता है, आपके प्रोग्राम्स के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाता है। सिमिलरली व्हेन यू वांट द हार्डवेयर टू डू समथिंग, अगर आप चाहते हो कि आपका हार्डवेयर कुछ करे, सच एज कॉपिंग और प्रिंटिंग अ फाइल, जैसे आपको फाइल कॉपी या प्रिंट कराना चाहते हैं, योर रिक्वेस्ट इज हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये रिक्वेस्ट कौन हैंडल करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर्स को बताता है कि उसने अपने रिसोर्सेज का,
अपने कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कैसे करना है और आपस में कंपोनेंट्स के कम्युनिकेशन करवाना, उनको हैंडल करना, ये सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम, अब हमने एक वर्ड का इजाफा कर दिया, एडिशन कर दी, नेटवर्क, यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके नेटवर्क को मैनेज कर रहा हो, वो आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज कंप्यूटर टू कम्युनिकेट एंड शेयर डाटा अक्रॉस अ नेटवर्क। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अलाउ करता है कंप्यूटर्स को कि वो ओवर द नेटवर्क क्या करें, कम्युनिकेशन कर सकें, अपने डाटा को शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ, वाइल कंट्रोलिंग नेटवर्क ऑपरेशन एंड ओवरसीइंग द नेटवर्क सिक्योरिटी। इसके अलावा पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करना, सिक्योरिटी को मैनेज करना, तमाम चीज़ों को देखना आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल कौन सी है, विंडोज सर्वर 2003। अगर आप रियल लाइफ में देखें तो आपने क्लाइंट सर्वर देखा होगा कि आपका एक सर्वर होता है जिसके साथ आपके 50 या 100 यूज़र्स कनेक्टेड होते हैं, सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं। तो अब जितने भी सिस्टम्स हैं उनकी मैनेजमेंट कौन कर रहा है, आपका सर्वर कर रहा है। तो इसी तरह नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी तमाम आपके सिस्टम्स को कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, अ यूटिलिटी इज़ अ प्रोग्राम दैट मेक्स अ कंप्यूटर सिस्टम ईजियर टू यूज़। यूटिलिटी क्या, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर को क्या करता है, उसका इस्तेमाल और ज़्यादा आसान बना देता है और परफॉर्म्स हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन। और अगर हमें कुछ खास फंक्शन परफॉर्म करने हैं तब भी हम क्या करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। यूटिलिटीज़ आर यूज टू मैनेज डिस्क ट्रबल शूटिंग हार्डवेयर प्रॉब्लम्स। यूटिलिटीज़ किस लिए यूज़ होती हैं, आपने अपने डिस्क को मैनेज करना है, किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है उसे ट्रबल शूट करना है या कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, इसे क्या है और सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या है, आपके एडिशनल सॉफ्टवेयर्स हैं जो ये सारे काम करने में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट दे रहे होते हैं। मसलन कोई डिस्क स्कैनर है, डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम, ये सारे एंटीवायरस वगैरह, जैसे कंप्यूटर में आपके कोई वायरस आ गया है तो अब आपने उसे अपने कंप्यूटर को कैसे प्रिवेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हो, ठीक है। तो ये सारी क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प टू एनालाइज, कन्फिगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को क्या कर रहा है, और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर रहा है। इसके जरिए आप इन सॉफ्टवेयर्स के जरिए और ज़्यादा अपने कंप्यूटर को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू सपोर्ट द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन कॉन्ट्रास्ट टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ एम्ड एट डायरेक्टली परफॉर्मिंग टास्क दैट बेनिफिट ऑर्डिनरी यूजर्स। हाउएवर यूटिलिटीज ऑफन फॉर्म पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपके बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का ही का हिस्सा है, मगर इनके ज़रिए आप क्या कर रहे थे, अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल और ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे स्पेशलाइज फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू अकम्प्लीट स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कर रहे होते हैं, आपके कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि कोई भी एक खास स्पेसिफिक टास्क है वो उसने कैसे परफॉर्म करना है, सच एज वर्ड प्रोसेसिंग और ड्राइंग। जैसे अगर आपकी कोई वर्ड प्रोसेसिंग है, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो क्या ये एक स्पेसिफिक टास्क है जो कि आप कंप्यूटर को बता रहे हो कि मैं ये करना चाहता हूँ। आपने कोई ड्राइंग बनानी है तो ये भी क्या एक स्पेसिफिक टास्क है कि आप कोई चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं। ड्राइंग का काम आप सिंपल पेज पे नहीं कर सकते, ड्राइंग के लिए आपको ड्राइंग टूल्स की ज़रूरत होती है। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप वहाँ पे ड्राइंग टूल यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपको वहाँ पे टाइपिंग करनी है, आपको वर्ड प्रोसेसर की ज़रूरत है। थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आर अवेलेबल फॉर मैनी पर्पजेज। हज़ारों एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जिस तरह का काम होगा उस तरह की एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत होती है। फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस, सम ऑफ द मेजर कैटेगरीज ऑफ दिस एप्लीकेशन इंक्लूड्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, सच एज न्यूज़ लेटर और ब्रोशर्स। एमएस वर्ड इज मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज वर्ड प्रोसेसर। एमएस वर्ड क्या है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड प्रोसेसर है। स्प्रेडशीट्स फॉर क्रिएटिंग न्यूमेरिक बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। अब अगर आपने कोई न्यूमेरिकल डाटा एंटर करना है तो आप वो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स पे नहीं कर सकते, जिस तरह की आपकी ज़रूरत होगी उसी तरह को आपको सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपको न्यूमेरिक बेस्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, स्प्रेडशीट्स की ज़रूरत होगी, सच एज बजट्स एंड बैलेंस शीट। एम एस एक्सेल इज मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर फॉर डेवलपिंग स्प्रेडशीट। एम एस एक्सेल क्या है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है अगर आपने स्प्रेडशीट्स बनानी है, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे आप न्यूमेरिक डाटा को
एंटर कर सकते हैं। अगर आपने ड्राइंग का काम करना है तो आप ड्राइंग के टूल्स या एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस तरह की आपकी ज़रूरत होगी उस तरह की आपको सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। कंप्यूटर डाटा, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट टू अ कंप्यूटर डाटा इज एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट दैट टेकन बाय इट सेल्फ मे नॉट मेक सेंस टू अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट थिंक ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट एज डाटा। टेकन इंडिविजुअली दे डोंट मीन अ लॉट, बट वैन ग्रुप्ड इन टू वर्ड्स एंड सेंटेंस दे मेक सेंस, दैट इज दे बिकम इंफॉर्मेशन। हमने स्टार्ट में भी देखा था कि कंप्यूटर के लिए डाटा क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी पीस ऑफ डाटा है, फैक्ट्स है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। लेकिन जब हम उस पर कुछ प्रोसेसिंग कर लेते हैं, उस पर कुछ काम करते हैं, तो वो आपके जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स थे वो आपको कोई मतलब देने लग जाते हैं, यानी वर्ड्स बन जाते हैं, सेंटेंस बन जाते हैं। अब उनकी क्या है, सेंस हो गई है। पहले वो सेंस नहीं दे रहे थे, अब वो क्या बन गए, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गए हैं। कंप्यूटर यूज़र्स, एंड पे हमारा मेन लास्ट टॉपिक जो है वो है कंप्यूटर यूज़र्स। यूज़र्स हमारे पास दो तरह के हैं, दो तरह की इन्वायरमेंट है। एक है यूज़र्स, यानी ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ अगर यूज़र नहीं होंगे तो आपका कंप्यूटर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। द यूज़र्स रोल, सेटिंग अप द सिस्टम। यूज़र्स के क्या क्या रोल हैं, अगर आपका आप अपना सिस्टम लेते हैं तो आपको आपके एज ए यूज़र क्या क्या रोल्स होंगे, यानी अगर आपने सेटिंग अप द सिस्टम, आपने एक नया अपना लैपटॉप लिया है तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना यानी सिस्टम को सेटअप करना आपका काम है। डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स करना, यानी एमएस वर्ड को इंस्टॉल करना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सूट इंस्टॉल करना, डिफरेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना किसका काम है, आपका काम है। रनिंग प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को रन करना कौन करेगा, आप करेंगे। अपने फाइल की मैनेजमेंट, फोल्डर बनाना, किस फोल्डर में किस फाइल को रखना है किसका काम है, यूज़र का रोल है। यानी अगर आप आपके अपने सिस्टम के यूज़र हैं तो ये आपका काम है। मेंटेन द सिस्टम, अपने सिस्टम को मेंटेन करना, मॉनिटर करना, कोई वायरस तो नहीं आ गया, ये सारे काम कौन देख रहा होगा, यूज़र देख रहा होगा। तो एज ए यूज़र ये तमाम काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सिस्टम को सेट करना, डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करना, फाइल्स को मैनेज करना और अपने सिस्टम को मेंटेन करना, ये सारी क्या है, यूज़र्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूज़र लेस कंप्यूटर, ऐसी कौन सी इन्वायरमेंट है जहाँ पे यूज़र लेस कंप्यूटर्स हैं, यानी जहाँ पे यूज़र का इस्तेमाल बहुत लेस है या नहीं है। रन विद नो यूज़र इनपुट ऑटोमेटेड सिस्टम, जैसे ऑटोमेटेड सिस्टम है वहाँ पे क्या है, आपको यूज़र की ज़रूरत बहुत कम आती है। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं, वहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने बिल की प्रिंटिंग पे लगा दिया, वहाँ पे क्या है, एक बार आपने कमांड दे दी, उसके बाद क्या तमाम शहर के बिल्स प्रिंट होते रहते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यूज़र की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। अब आप मॉल्स पे जाओ बड़े बड़े, वहाँ पे आपको एस्केलेटर नज़र आती है, वहाँ पे क्या है, वो सेंसिंग कर लेते हैं। अब आपको लिफ्ट में जिस तरह एक बंदे ऑपरेटर की ज़रूरत होती है कि वो ऊपर लेके जाता है नीचे लेके जाता है, जब आपके सेंसर लग गए हैं तो वहाँ पे यूज़र इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो गई है। अब वो क्या करेगा, जैसे कोई यूज़र आएगा वो उसे सेंस कर लेगा और वो एक्टिवेट हो जाती है, इसी तरह वो ऑन ऑफ हो जाती हैं सेंस करके। तो ये हमारे पास डिफरेंट इन्वायरमेंट ही, एक ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पे यूज़र्स के बगैर कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता, और ऐसी इन्वायरमेंट भी है जहाँ पे हमें यूज़र की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है मुझे कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।